सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों आप अपने गूगल क्रोम के अंदर जो है डार्क मोड कैसे एनेबल कर सकते हैं, तो वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये एक इनबिल्ट ऑप्शन है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन जो है यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अपने फ़ोन में। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अपने गूगल क्रोम को जो है प्ले स्टोर में जाकर अपडेट कर लीजिए। वो ऑप्शन अपडेट करने के बाद जो है आपके पास डार्क मोड का ऑप्शन जो है आ जाएगा। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पर गूगल क्रोम को जो है ओपन कर लेता हूँ अपने फ़ोन में। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है गूगल क्रोम के सर्च बार में टाइप करना है chrome:// flags। तो अब मैं यहाँ पर इसको जो है टाइप कर लिया हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्च फ्लैग्स, तो इसके अंदर जो है आपको यहाँ पर टाइप करना है chrome UI। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पर chrome UI टाइप किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं android chrome UI डार्क मोड। तो ये बाई डिफ़ॉल्ट रहता है, तो आपको जो है इसको अनेबल कर देना है। अनेबल करने के बाद आपको जो है दोस्तों यहाँ पर रीलॉन्च नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आपका गूगल क्रोम जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा, तो आपको जो है इसको रिसेंट हिस्ट्री में से क्लियर कर देना है। तो अब मैं फिर जो है अपने गूगल क्रोम को यहाँ पर से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर थीम्स के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर सिस्टम डिफ़ॉल्ट है, तो हम इसको यहाँ पर डार्क कर लेते हैं। और यहाँ पर आपको बैक जाकर बताऊँगा मैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जो है गूगल क्रोम जो है डार्क मोड में एनेबल हो गया है। तो दोस्तों, इस तरीके से गूगल क्रोम को जो है डार्क मोड में एनेबल कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड फ़ोन में। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।